हमारे भारत में भी बहुत से इजरायली हैं, बहुत से इजरायली हैं, बहुत से ज़ायनिस्ट हैं। अब मालूम हुआ कि ज़हीराबाद में भी आ गए। मालूम हुआ कि अब ज़हीराबाद में भी बेन्यामिन नेतन्याहू के शागिर्द आ चुके हैं और वो आकर हमको आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, ये CAA का कानून किसने बनाया? CAA का कानून किसने बनाया? किसने बनाया? कौन बनाया? अरे डर रहे कहीं को? कौन बनाया CAA का कानून? आप CAA कानून के खिलाफ है? है नहीं है? चिचा जरा आप भी तो बोलो। बीजेपी बनाई। ट्रिपल तलाक का कानून कौन बनाए? ट्रिपल तलाक का कानून कौन बनाए? UAPA का कानून कौन बनाए? ये मॉब लिंचिंग का जिम्मेदार कौन है? अब बीजेपी में कल तक अंकल थे, कल तक अंकल बीजेपी में थे, मोदी जी को अपना पप्पा बोलते थे, आज ज़हीराबाद में आके असद भाई दूल्हे भाई? अरे क्या कुलाटी मास्टर है बाबा तू? अरे बीजेपी में कल तक आप थे, अमित शाह के गले मिलते थे, मोदी जी को झुक के सलाम करते थे, RSS की चड्डी या पैंट पहनकर लग फिराते थे, अब कांग्रेस का खंडवा पहनकर आ गए। मेरे को अभी यहां पर डाइस पर हमारे सैयद मकसूद साहब कहां है भाई? चले गए। सैयद मकसूद साहब अपनी किताब दिए तर्जुमा करके, क्या लिखे? कांग्रेस RSS की अम्मा। ये लोग देख लो आप, मैं झूठ नहीं बोल रहा, जरा देख, जरा इसको TV पे ले लो, जरा वीडियो पे ले लो और अपने WhatsApp ग्रुप में डालो, कांग्रेस RSS की माँ। अच्छा हैरत की बात सुन, ठहर, हैरत की बात यह है, इन्हों बीजेपी से कांग्रेस में आए, भागा रेड्डी साहब के बेटे बीजेपी में चले गए, उन्हें मनुगुड़ू से इलेक्शन लड़ा बीजेपी से, क्या नाम उसका, कोई रेड्डी है उन्हों, हाँ कुछ भी होगा, वहां से लड़ा, बीजेपी से लड़ा मनुगुड़ू, मैं गलत बोल रहा हूं तो माफ कर देना, होना बोल के बोल रहा हूं, मुनुगुड़ू से लड़े इलेक्शन, मामू से हार गए, तो जैसा वहां हारे कांग्रेस में आ गए। ये कांग्रेस के आजकल वॉशिंग मशीन बनी हुई है। फिर बोलते शेरवानी वाले आ गए, अरे शेरवानी वाले इधर उधर नहीं जाते, एक ही रास्ते पर रहते, सिराते मुस्तकीम पर रहते। ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को, वहां पे बीजेपी में थे, अचानक क्या, मेरे को लगता है कि अमित शाह बोले होंगे प्यारे इधर चले जा, बाजू जा, उधर से RSS बोली होंगी इधर, अब इधर चले जा,
और फिर आप हमारे को ही ना दिखा रहे ओ वैसी ही है। माने पूरे तेलंगाना के इलेक्शन में खाली ओवैसी 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 चलेगा, और उधर से मोदी अमित शाह के बोलेंगे बेटी बेटी बेटी। अरे कोई तेलंगाना में कोई मुद्दा नहीं है सिवाय बी टीम और ओवैसी के। अमित शाह आते कि बोलते इनके हाथ में स्टेरिंग, वो उनका कांग्रेस का लीडर है माशाल्लाह से 50 साल के हो गए भी, उन्हें बोलते ओवैसी मिलावा है और ओवैसी आसाम में इलेक्शन लड़ते हैं। अरे राहुल गांधी, मैं आसाम में आज तक इलेक्शन नहीं लड़ा, अभी नू बोल रहे तो अब दिमाग में बात पैदा हुई, अब तो जाना ही पड़ेगा आसाम को। जरा पढ़ के लिख के आओ। अरे ओवैसी जा लड़ते वहां इनको फायदा हो जाता, अमेठी क्या मेरी रू जाके लड़ी थी, तुम हार गए से? अमेठी कैसा हार गए आप वो नहीं बोलते। 185 लोकसभा सीट पर सिर्फ कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला हुआ, माने इसराइल और इसराइल का मुकाबला हुआ 185। आज से दोनों का नाम क्या रख देंगे? हाँ इसराइल। तो 185 सीट पर कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला, कितने जीती कांग्रेस? 16 2019 में चेक कर लो आप, मैं झूठ नहीं बोल रहा, 16 जीते। और इत्तेफाक की बात यह है कि मैं नहीं था दूल्हे भाई वहां पर, 16 जीते। अब वो कैसा जीत, कैसा हार गए आप, कैसा हार गए बोलो आप? अरे नहीं ओवैसी, अरे बाबू जमहूरियत है, मैं इलेक्शन लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, जा नहीं लड़ूंगा वहां बोलूंगा मामू का साथ दो, जा लड़ूंगा बोलूंगा पतंग पिलाओ आसमानों पर। तो अब मालूम जहीराबाद और मुनुगुडु से बात मालूम हो गई कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों औले जौले भाइयां हैं। जैसा कि किताब में तर्जुमा किए मकसूद साहब, कांग्रेस आरएसएस की मां, तो ये वो है। अरे अजीब बात है, आप जिंदगी गुजार दिए आरएसएस में बीजेपी में, और आप यहां पे आ गए पैराशूट से उतर के वेखराबाद से यहां आ गए, ऐसा जैसा करे वो करे ये करे। अरे बाबू कांग्रेस वालों, ये मेरी दरियाफ्ती की उम्र नहीं है, मेरे को बेटा है 14 साल का, आप अपनी दरियाफ्ती कर लो ना, अकेले है तुम दोनों अकेले हो, कुछ तो कर लो, मेरे पीछे कई को पड़े हुए हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश में वहां योगी की हुकूमत है, वहां पर जो नेपाल के बॉर्डर पर कई मदरसे हैं, उन मदरसों को बीजेपी की सरकार शक की निगाह से देख रही है। सबका साथ सबका विकास विश्वास क्या हुआ, उत्तर प्रदेश से मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। आज अमित शाह हैदराबाद तेलंगाना को आए, आके कुछ बोल दिए बैकवर्ड क्लास के हमारे भाइयों को हम ऐसा कर देंगे। अमित शाह साहब, आपको मैं जिम्मेदारी से बता रहा हूं, आप और कांग्रेस औले जौले भाई बहन हैं, आप लोगों का कुछ भी होने वाला नहीं है तेलंगाने में, आप बाय बाय थे बाय बाय होंगे आप। मैं अमित शाह से पूछना चाह रहा हूं कि अगर आप बैकवर्ड क्लास के इतने हमदर्द है तो बीसी का सेंसस क्यों नहीं कराते आप? अगर आप बैकवर्ड क्लास भाई बहन से इतना मोहब्बत करते तो असदुद्दीन ओवैसी लोकसभा में खड़े होकर पुकार रहा था
जब खवातीन के तहफुजात का बिल लाया गया आरक्षण का कि ओबीसी खवातीन को बिल दो और मुस्लिम खवातीन को बिल दो, उनको रिजर्वेशन दो, ओबीसी खवातीन को रिजर्वेशन और मुस्लिम खवातीन को, तो ना मोदी, ना अमित शाह, ना राहुल गांधी इस बात को तैयार थे। मैं इम्तियाज जलील उस कानून के खिलाफ वोट दिए, बीजेपी वाले बोल रहे तुम वोटिंग करा रहे क्या, मतलब बिल्कुल करा रहे, बिल्कुल कराएंगे। तो बोले अब फिर हो गया हमारा 3 घंटे यहां पर, मतलब 3 घंटे होते 4 घंटे होते नहीं मालूम, मगर मैं वोटिंग कराऊंगा। मैं स्पीकर साहब हमारे ओम बिरला हैं, मैं उन्हें पूछे क्या आप अपनी तरमीमात को मूव करेंगे, मैंने कहा मूव करूंगा सर। बोले ओएसी तुम्हारे पास तादाद नहीं है, मैंने कहा स्पीकर साहब अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मेरे साथ है, हमने वोटिंग का डिमांड किया। अब कांग्रेस वाले तो पहले मेरी तकरीर से परेशान हो गए, कहने एक नई बात कर दिया, क्योंकि अल्लाह ने जबान की ताकत दी, अल्लाह ने धड़कता दिल दिया, अल्लाह ने गरीब और मजलूमों की तकलीफ को समझने का एक सलीका दिया, वो नेमत है। और मैं 10-12 साल की उम्र से जहीराबाद को आ रहा हूं अपने वालिदे मरहूम के साथ, तो मैं जब ने कहा कि मुसलमान और ओबीसी खवातीन को मिलना चाहिए, कांग्रेस वालों का सर घूमना शुरू हो गया। उसके बाद जब हम वोटिंग कराए, मोदी जी बैठे रहे 1.5-2 घंटा पार्लियामेंट में, बीजेपी के लोग बोल रहे अरे प्रधानमंत्री बैठे हुए, बोला हो प्रधानमंत्री है, बादशाह सलामत है, बैठ रहे हैं। कांग्रेस वाले बोले अरे हमारा नेता बेचारा बैठा है, बोला हम क्या बेचारे नहीं है। 3 घंटे 400 वोट खवातीन के बिल की ताईद में गिरे, जिसमें ओबीसी खवातीन को कोई हिस्सा नहीं, मुस्लिम खवातीन को कोई हिस्सा नहीं, 2 वोट ओबीसी खवातीन के हक के लिए, 2 वोट मुस्लिम खवातीन के हक के लिए पड़े। किसके थे? असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील के थे। तो बाद में मैंने खड़े होकर कहा कि दुनिया ने देख लिया कि आज पार्लियामेंट में राहुल और मोदी एक साथ खड़े हुए हैं, ये मिलकर खड़े हैं। और कांग्रेस के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जुलाई 2019 को अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट बनाया गया था, जिसमें उस गंदे कानून के तहत हजारों सौ ज्यादा लोग भारत के मुख्तलिफ जेलों में जेल में हैं। कौन उस कानून की ताईद किया? राहुल गांधी और मोदी ने। कौन उस कानून के खिलाफ वोट दिया? असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील ने। आप मुझ पे उंगली उठाते, अरे अगर तुम्हारी दास्तान बयान करना शुरू हो कांग्रेसियों, तो 31 अक्टूबर को 84 में मोहतरमा इंदिरा गांधी का कत्ल कर दिया गया था, हम उसकी मजम्मत करते हैं, मगर मोहतरमा इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद क्या दिल्ली के सड़कों पर सिखों के खून की होली नहीं खेली गई थी? तो किसकी हुकूमत थी बताओ? सिखों को गले में उनके जलते हुए टैरों को डाल दिया गया था, नस्ल कशी सिखों की हुई थी। और कांग्रेस आज सेकुलरिज्म की बात करती है, अरे बताओ बूटा सिंह ने क्या शिलान्यास नहीं किया था राहुल गांधी? क्या तुम्हारे वालिद वजीर आजम नहीं थे? बताओ, बोलो इस बात को, बोलो, मेरी इस बात का जवाब दो। और हम मौजूदा वजीर आजम से कहना चाहेंगे कि आप भारत के 133 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री, वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर हैं, आप सिर्फ एक मखसूस हिंदुत्व आइडियोलॉजी के लोगों के मानने वालों के वजीर आजम नहीं है। मिस्टर मोदी, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर सब आपकी नजर में बराबर होना चाहिए, आप एक को बढ़ाकर नहीं पेश कर सकते, आप सबके वजीर आजम हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और फिर हमसे बोलते हैं ये लोग, इन्हू मिले हुए हैं, इन्हू फुला हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह मेरे दिल का हाल जानने वाला है, मैं अगर मिला हुआ हूं तो गरीबों के साथ मिला हुआ हूं,
मैं अगर मिला हुआ हूं तो मजलूमों के साथ मिला हुआ हूं, अगर मैं किसी के साथ मिला हुआ हूं तो उन मासूम बच्चियों के साथ खड़ा हूं जो तालीम हासिल करना चाहती, मैं अगर मिला हुआ हूं तो हर उस शख्स के साथ खड़ा हूं जो दुनिया में और भारत में अमन चाहता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, लोग आपसे पूछेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी आकर आपको बोले कि 30 नवंबर के दिन मामू को क्यों वोट देना, तो मामू को वोट इसलिए देना क्योंकि बीजेपी को हराना है, मामू का साथ इसलिए देना कांग्रेस आरएसएस की मां है, कांग्रेस जोर से बोलो इसको, कांग्रेस डर रहे आप लोग, मोदी से डर रहे, कांग्रेस से डर रहे, कांग्रेस ये आप और मैं नहीं बोल रही है, मकसूद साहब की किताब का नाम है, नहीं तो उन्हें शुरू हो जाएंगे ने नई बात करके गया, मकसूद साहब को पकड़ो, मैं नहीं बोला, सेक्रेटरी बाम सेफ तेलंगाना, कांग्रेस आरएसएस की मां। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर 9 साल में तालीम के ऊपर, अकलियतों की तालीम के ऊपर 2004 से 14 तक कांग्रेस की हुकूमत थी, अकलियतों की तालीम के ऊपर सिर्फ 1200 करोड़ खर्चा हुए, और जो यहां पर जो लोग आरएसएस से आकर मजलिस पर उंगली उठा रहे हैं, मैं उनको बताना चाह रहा हूं कि 9 साल में मजलिस की नुमाइंदगी पर मामू ने 12000 करोड़ रुपए तालीम पे खर्चा की अकलियतों के, कितने 12000 करोड़। और ये जो कांग्रेस के जो सदर है ना तेलंगाना के, इनू भी आरएसएस से आए, अब याद आया, बोलना भूल गया, उन्हों भी आरएसएस से इधर उन्हों थे, फिर क्या करे, मैं देखा उनको 1999 में मरहूम सैयद सज्जाद एमएलए होते थे, उनके इलेक्शन में किशन रेड्डी लड़े थे, किशन रेड्डी अब जो सदर है बीजेपी के, उन्हें पहला इलेक्शन मल्ली से टकरा, हार गए, उनके साथ इन्हू थे, मौजूदा इनके पीसीसी के सदर, गुड्डी मलकापुर की मार्केट में देखा मैं इनको, खैरताबाद के बल्दिया के ऑफिस में देखा, और मैं जिसको देख लेता हूं जिसको पढ़ लेता हूं, अल्लाह उसके हबीब के सदके में मुझे थोड़ा मेमोरी दी, मैं भूलता नहीं, इन्हों वहां से ही आए, बीजेपी से थे, फिर आरएसएस बोली साइकिल पे बैठ जा, साइकिल पे बैठे, साइकिल का डुबा दिए, फारक तोड़ दिए, साइकिल को पंचर करे, बाद में आरएसएस बोली देख साइकिल का तो तू काम कर दिया, अब तू जरा पंजे को पकड़ ले, तो आरएसएस तेलंगाना में पंजे को पकड़े हुई है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये आदमी आरएसएस से आया हुआ है, इसलिए इसने कहा था कि अगर हमारी हुकूमत आएगी तो हम हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक मंदिर बनाएंगे, अब उठाकर देख लो हजरत गूगल पर जाओ, बोले और मैं नहीं, आप देखो जाकर, तो अब आप देखो ये मजलिस की नुमाइंदगी पर 9 साल में तालीम के ऊपर 12000 करोड़ रुपए, और यहां पर मजलिस की नुमाइंदगी पर टेम्ब्रिज के स्कूल जो अब जूनियर कॉलेज में तब्दील हो गए, कितने बच्चे पढ़ रहे मुस्लिम अकलियत के, आपको अंदाजा भी नहीं होगा, अगर आपको है तो मैं बताता हूं, 2,10,000 बच्चे और बच्चियां स्कूल में पढ़ रहे हैं, 6 से 12 तक फ्री, अब तक 80,000 पढ़ के निकल गए, 80,000 पढ़ के निकल गए, फिर ये शादी मुबारक की स्कीम है, 2,225 लोगों को, 2,225 को खर्चा हुए, 26,931 लोगों को क्या हुआ,
शादी मुबारक का चेक मिला, कल्याण लक्ष्मी स्कीम भी है, तो ऐसे ओवरसीज स्कॉलरशिप है, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है, पोस्ट मैट्रिक में है, तो ये सब जो है मेरे भाई मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मजबूती से मिला। और एक बात याद रखिए कि इलाकाई पार्टी जहां पे रहेंगी, जहां पे रीजनल पार्टी रहेंगी, वहां पे आपकी अहमियत रहेगी। अगर ये दोनों आ गए औले जौले, ये दोनों आ गए, तो फिर आपका कोई पूछने वाला नहीं है। आज क्यों आ रहे हैं आपके पास सब? एक इलाकाई पार्टी है, तीसरा प्लेयर है ये, अगर खेल खाली दो लोग खेलेंगे तो फुटबॉल हमको बना देंगे, तो तीन रहेंगे तो तीनों लड़ेंगे, आप बैठकर देखते रहना। हाँ अच्छा, हाँ फिर जो उसके बाद जो अपना अच्छा करता, साढ़े चार साल हम उसके साथ खड़े होंगे। दो खेलेंगे तो हमको फुटबॉल बना देते, तीन रहेंगे तो मामला अच्छा रहता। आप देखो मेरी बात को, दो से मजा नहीं है, तीन रहना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तीन शादी करो, मैं ये बोल रहा हूं तीन खिलाड़ी रहना, तीन पॉलिटिकल पार्टी रहना। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चौथा प्लेयर है इसमें, मजलिस चौथा प्लेयर है, पावर प्ले में आके मुम मुम मुम, पावर प्ले समझे ना, अब पावर प्ले शुरू हुआ हमारे, तो पावर अपने हाथ में रहना। दो में रहे तो आप पावरलेस रहते, तीन रहे तो पावर, समझे हमारी बात को। कर्नाटका में तीन नहीं थे, तेलंगाना में तीन है और चौथा पावर मजलिस है, समझे ना आप मेरी बात को। तो इस वास्ते 20 तारीख के दिन, 30 तारीख के दिन यहां पे मामों का साथ दो। मैं मानता हूं इस बात को कि काम होना है, मैं जहीराबाद की आवाम से वादा करके जा रहा हूं कि जो आपके काम जेर तकमील हैं इंशाअल्लाह ताला उन पूरे कामों को मैं करवाऊंगा मेरी जिम्मेदारी पर, और इलेक्शन में कामयाबी मिलेगी मामों को। मुझे यकीन है कि मामों तीसरी मर्तबा वजीर आला बनेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम कांग्रेस, ये मकसूद साहब लिखे, उन्हें भी सोच रहे होंगे क्यों लाके दिया इसको, मैं किताब ये मैं बैठ के दुआ करके सोच रहा था अल्लाह क्या बोलूं, अचानक उन्हें लाके दिया, मेरा ओ हो ये तो गुलाब जामुन है ये तो। खैर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहां पर हमारे सदर साहब ने डीएड उर्दू मीडियम कॉलेज के लिए कहा, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला वो जरूर बनेगा। बहुत से बल्दी मसाइल हैं, इंशाअल्लाह ताला उसको जरूर हल किया जाएगा। बीजेपी तेलंगाना में एक ही चीज चाहती है कि यहां पर कोएलिशन गवर्नमेंट बने, वो मत होने दो आप, और डालना आपका इख्तियार है, मगर कभी कोएलिशन बनने मत दो। आप मामों को ताकत के साथ कामयाब करिए, और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं मामों को यहां लेके आता हूं, यहां लेके आता हूं, कुरेश गली से शुरू करिए अपन इंशाअल्लाह, कुरेश गली से शुरू करेंगे। अभी नु वेखाराबाद से है, वहीं जाने वाले हैं, वहीं जाते होंगे। उन्होंने क्या समझ लिए, यहाँ की लाल मट्टी वहां की लाल मट्टी एक है। तुम वेखाराबाद से बीजेपी से यहाँ पे आए, यहाँ की आवाम बाशऊर है, बाखबर है, और मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि जो शख्स दुनिया में नहीं है फरीद साहब को भी ऐल फैल बोल रहे। अरे कम से कम मरने वाले को तो मत बोलो ऐसा। वो फरीद कुछ भी चाहूंगा मगर जहीराबाद का नुमाइंदा था, वो फरीद कुछ भी चाहूंगा मगर उसके दिल में धड़कता हुआ दिल था, फरीद के मुंह में जबान नहीं थी मगर फरीद तड़पने वाला था। एक दूसरी पार्टी में थे फरीद, मगर मैं, मेरे साथ एमएलए भी थे, मैं इज्जत करता हूं,
देखो आप कितनी गंदगी है, क्या जो दुनिया में नहीं है आप उसको तो गाली दे रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, 30 नवंबर को इंशाअल्लाह ताला सब आवाम अपना फैसला देगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे दुआ, आपसे गुजारिश है कि मेरे वास्ते भी दुआ करो। मैं भी आपका गुलाम हूं, मैं भी आपका खादिम हूं। पूरे मेरे पीछे पड़ गए, प्रेम मोदी, अमित शाह, राहुल, पूरे पूरे ऐसा दिख रहा, पूरा झुंड का झुंड मेरे पीछे पड़ा हुआ। और सब क्या कर रहे हैं वहां के, ओ ऊपर रहे। और मैं क्या कर रहा हूं, मैं खड़ा हुआ हूं सीना तान के, आओ खाली लुंगी उठा के डराने के दिना चले गया, हो गया, अब टाइम नहीं है। वो भारत मेरा है, मेरा ही रहेगा। तुम मेरे घर पे आके दस्तक मारते, अच्छी बात है। अब ये आवाम फैसला करेगी। आप मंजलिस की कामयाबी के लिए भी दुआ करिए। जहां से हमारे उम्मीदवार रहेंगे वहां पतंग को पिलाना, जहां नहीं रहेंगे मामू को समझाना, मामू को कामयाब करना। तो क्या मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग जहीराबाद में जहां से मंजलिस नहीं होंगी मामू का साथ देंगे? अरे जरा हाथ उठा कर बोलो। अरे वहां से नहीं उठ रहे हाथ, डर रहे का? पूरे हाथ उठा के बोलो। पूरे जहीराबाद में सिर्फ इंशाल्लाह नहीं, क्योंकि कांग्रेस कांग्रेस बस। आपका बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह हमारे और आपकी मोहब्बत को कायम रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।